मंदार पर्वत पर मकर संक्रांति की तैयारी जोरों पर। गोड्डा जिला से महज 20 किलोमीटर दूर बौसी स्थित मंदार पर्वत पर मकर संक्रांति की तैयारी जोरों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि बांका प्रखंड के बौसी में मकर संक्रांति को लेकर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी मेले की तैयारी जोरों पर चल रही है। बता दें कि 14 तारीख को मंदार पर्वत पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद होती है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन पर होती है। सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रशासन 10 दिन पहले से ही लगी हुई है। अभी हम लोग मंदार पर्वत के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं। यहाँ के पंडित जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस पर्व का क्या महत्व है। पौराणिक गाथाएं हैं मंदराचल पर्वत से जुड़ी हुई। ये पर्वत विश्व में कहीं ऐसा पर्वत नहीं जो एक चट्टान का पर्वत, और एक चट्टान यानी शिवलिंगाकार है। एक श्लोक आया है स्कंद पुराणों में, मंदारम शिखरम दृष्ट्वा दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेन्वा मुखम दृष्ट्वा पुनर्जनमन अविद्यते, कि मंदार का दर्शन ये तिला संक्रांत के शुभ मुहूर्त में, मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में जो दर्शन होता है ये अनन्य फलदायक है, अनन्य पुण्यदायक है। इस पर्वत से जुड़ी गाथाएं कथाएं बहुत सारी हैं, जो कहा जाए कि तिला संक्रांत के शुभ अवसर पर भगवान मधुसूदन जो विराजमान थे मुगल शासक के समय में पहले मंदराचल पर्वत की चोटी पर, वो जमींदार राजाओं के समय में वो नीचे चले आए हैं, बौसी में अवस्थित हैं। तो उस दिन तिला संक्रांत के शुभ अवसर पर उनको यहाँ पे लाया जाता है, और लाने के क्रम में उसी दिन जो मंदारम शिखरम दृष्ट्वा दृष्ट्वा वा मधुसूदनम कामधेन वा मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म नवी, जो तीन युक्ति है, तीनों का दर्शन, जैसे मधुसूदन भगवान का दर्शन इस सरोवर में होता है, इस मंदार का दर्शन, इसका परिक्रमा और बगल में कामधेनु गाहे, तीनों के दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो ये मंदराचल पर्वत है। मंदराचल पर्वत त्रिगुणात्मक है, ये तीन गुणों में विभक्त है। ये तमोगुणी क्षेत्र पहला हुआ, रजोगुणी क्षेत्र ऊपर मध्य में हुआ, और सतोगुण हम लोग शिव को मानते हैं ऊपर निराकार परम परम परमेश्वर। तिला संक्रांति में लोग, इस तालाब का नाम पाफरनी सरोवर है, यहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं आते हैं, अपने वंश के लिए, अपने चर्म रोग शरीर के लिए आराधना करते हैं, और उनके शरीर के कष्ट, शरीर का कष्ट जो है वो दूर हो जाता है। पंडित जी, इस बार का क्या मुख्य तैयारी आप देख रहे हैं? इस बार का मुख्य तैयारी प्रशासन के द्वारा बहुत उत्तम है, ताकि यात्रियों को कष्ट नहीं हो, कठिनाई नहीं हो, बढ़िया ढंग से, अच्छा ढंग से वो स्नान करें, पूजन पाठ करें, परिक्रमा मंत्राचरण। क्या मान्यता इस पहाड़ का ये है कि समुद्र मंथन जो विष्णु भगवान के द्वारा हुआ था, के लिए संपर्क करें आशा कमर्शियल व्हीकल छुरिया बाबा के निकट पैती रोड गोड्डा। मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स आपके साथ हर कदम। अभी हम गोड्डा से 20 किलोमीटर दूर बौसी पहाड़ पर हैं। मकर संक्रांति यहां पर जोरों शोरों से मनाई जाती है, और आसपास के इलाकों से मकर संक्रांति के दिन यहां पर लाखों भक्त आते हैं और यहां सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाते हैं, और हमारे जस्ट सामने में अपोजिट में एक मंदिर है, वहाँ पर पूजा करते हैं। मकर संक्रांति का यहाँ एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर लोग मकर संक्रांति को लेकर विशेष पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्या मान्यता इस पहाड़ का ये है कि पहाड़ को बीच में रखकर इसी पहाड़ से समुद्र का मंथन किया गया था? आप देख सकते हैं कि अभी से यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। कहा जाता है कि आदिवासियों का ये प्रमुख त्यौहार है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आदिवासी के समुदाय आ रहे हैं, और यहाँ अभी से ही काफी भीड़ लगना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक
झूला है, उस पर बूढ़े वृद्ध लोग जो कि चढ़ने में असमर्थ हैं इसका उपयोग करते हैं और ये लोग ऊपर ले जाते हैं। क्या हुआ आपका? आप जो ये ले जा रहे हैं ऊपर, इस पर चढ़ने के लिए कितना पैसा दिया जाता है और कितने देर में आप लेके जाते हैं? 1200 से लेता है। एक घंटे में? एक घंटे में पहुंचा देते हैं। ऑटोम अप डाउन भी एक घंटे में कर लेते हैं? कितना पैसा लेते हैं? आप देख सकते हैं कि ठीक सामने हमारा एक तालाब है जिसमें कि यहाँ पर लोग आते हैं स्नान करते हैं। इस तालाब का मान्यता ये है कि यहाँ पर जो स्नान करते हैं उनका पाप पुण्य सारा धुल जाता है। इसी चीज को लेकर मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं और इस तालाब में स्नान करके इस पर्वत पर चढ़ते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। की नाम है अपना? सिकंदर। कहाँ घर? सरैया हाट। सरैया हाट से तो यहाँ आयो छो बिजनेस करे वास्ते है 14 तारीख और अवसर पर की? हाँ। की बुझाए छ की छ मार्केट अखनी? मार्केट एकदम सही छ। सही छ। कत्ता आदमी अनुमान यहाँ आवे छ मकर संक्रांति में? संक्रांति में तो हो लाखों आदमी। लाखों आदमी तब यहाँ? लाख आदमी है थां तो अकेले छ भीड़ संभाल पारब? नहीं आतो ना और आदमी। क्या नाम है आपका? कहाँ ले जा रहे हैं ये पानी का बोतल? ऊपर। ये क्या मकर संक्रांति की तैयारी है? कितने लोग लगभग आते होंगे यहाँ मकर संक्रांति में? करोड़ से ज्यादा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? क्या नाम हुआ आपका? विशाल जी, कितने दिनों से आप यहाँ मेले में आ रहे हैं? नहीं, मेला यहाँ पे नहीं, मेरे परमानेंटली दुकान है। अच्छा, बारों मस्त करते हैं हम लोग यहाँ पे 8 साल से। अच्छा, मेला को लेकर क्या विशेष तैयारी है? मेला के लिए विशेष तैयारी है कि यहाँ पे कोई मतलब जैसे होता है संस्थानों का मेला लगता है, ठीक है ना, हम लोग दुकानदारी भी बनाते हैं। एक दुकान स्टूडियो की तरह और एक होटल वगैरह मेला में कुछ होता है कि ज्यादा कमाई करो, ज्यादा ये करता है दुकान बाहर से आता है, बाहर से दुकान से मतलब मेला का ये मतलब भीड़ के कारण, संथाल में पूजा होने के कारण तो हम लोग प्रसादी बेचते हैं तो सब लोकल कहीं के संदर्भ। अच्छा, हर साल के भांति इस साल में कोई फर्क लग रहा है मेले में या विशेष कुछ तैयारी? हाँ, विशेष तैयारी हो रही है कि यहाँ पे बगल में टैंक बना दिया है। ये पहली बार हो रहा है ऐसा? पहली बार हो गया है। बगल में इस बार मेला होगा, उसके बाद हाल में 2 महीने बाद चुनाव भी होगा, तो क्या लगता है कि इस मेला को तैयारी को देखते हुए चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? कमेटी के लोग यहाँ के बारे में अगर कोई अच्छा सोचे, चुनाव में फर्क आएगा नहीं, यहाँ के बारे में कोई डेवलपमेंट करो, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ पैसा मतलब बोलने में कुछ पैसा, बहुत पैसा आया हुआ है यहाँ के विकास के। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी का 5 साल का सरकार पूरा होने वाला है, इस दरमियान में क्या लगता है क्या विकास हो पाया इस जगह का? इस विकास में देखिए, नरेंद्र मोदी के दरमियान में रोपने का काम नहीं था, वो रोपने का काम हो गया है, ठीक है, और बाकी बात यहाँ पे गार्डन पीछे पार्क साइड में बना रहा है, ठीक है, वो पार्क का काम हो चुका है। और सुनने में आया कि तालाब में, तालाब में जो फुहरा टैंक होता है ना, वो फुहरा टैंक का कुछ बनने वाला है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है विकास हुआ है? विकास हुआ है नरेंद्र मोदी के तहत।